नमस्कार केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। चलिए शुरुआत करते हैं। आज चंदन गांव शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में श्री विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा सांसद और जिले के शीलेंद्र सिंह कलेक्टर चंदन गांव स्कूल में पहुंचकर विद्यार्थियों शिक्षकों के साथ विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और विद्यार्थियों शिक्षकों ने विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस में योगा किया। छिंदवाड़ा से जिला ब्यूरो उषा राउत की खास रिपोर्ट। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहे। श्वास लेते हुए वापस आए और दाएं पैर को स्कंद चक्र सीधे खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में उठाएं और कोहनियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। दोनों कोहनियों और स्कंधों को चक्राकार घुमाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। इस क्रिया को विपरीत दिशा में 2 बार दोहराएं। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा जिले के सभी निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी ओर से आप सबसे अनुरोध की योग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर आपका मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है तो आप निश्चित तौर पर स्वस्थ निर्णय लेंगे जिससे आपका जीवन आगे तेजी से तरक्की करेगा और निर्बाध रूप से आगे बढ़ेगा। आप सबको पुनः योग दिवस की शुभकामना और अनुरोध कि आप अपने जीवन में योग एक अभिन्न अंग बनाएं जिससे कि आप अपने आप को, अपने शरीर को, मन को स्वस्थ रख सकें और जिले के तेजी से विकास में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरी दुनिया में आज लोग योग करके योग दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ जो हमारी पूंजी थी, हमारे संस्कृति अध्यात्म से जुड़ा हुआ योग, इसको आज दुनिया में पहचान दिलाने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। हजारों वर्षों से यह परंपरा हमारे देश में योग की रही है और योग करो निरोग रहो इस योग से हम पूरी दुनिया को सिखाते हैं। लेकिन बीच में मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा तो कहीं ना कहीं योग को बुलाने का काम किया गया है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश में जब उन्होंने कमान संभाली तो सबसे पहला काम कोई किया तो दुनिया में योग को बढ़ाने का काम किया। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरी दुनिया में आज लोग योग को मना रहे हैं तो मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और समस्त देश की जनता को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जी सर, धन्यवाद।